जैसे कर्नाटक का दिखा देता हूँ, तो कर्नाटक से आप भी आना चाहते हैं तो उसमें भी ठीक इसी तरह से है कि आप कर्नाटक से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिटेल भरना पड़ेगा, या फिर कर्नाटक में आना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी एक लिंक क्लिक करना होगा। लेकिन हम लोग कर्नाटक से बिहार आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लिंक खुल गया हम लोग का वेबसाइट। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। इसमें योर कन्वीनियंस इज आवर प्रायोरिटी इनका लोगो है। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं और इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, अप्लाई हियर टू ट्रैवल टू अदर इंडियन स्टेट फ्रॉम कर्नाटक। कर्नाटक से आपको दूसरा राज्य जाना है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम लोग को कर्नाटक से बिहार आना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, और जैसा उसमें खुला था ठीक वैसा ही इसमें खुलेगा, कोई अलग वाली बात नहीं है। और इसी तरह से आप जितनी भी स्टेट की लिंक्स है, जितनी अभी ऑनलाइन पोर्टल खुली हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे अभी कर्नाटक वाला हम लोग का खुल गया तो इसमें भी वही सब भरना है, यात्री का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद जेंडर, एज, उसके बाद आधार नंबर, विच कैटेगरी टू ट्रेवल यू बिलोंग टू, आप स्टूडेंट हैं या फिर टूरिस्ट हैं या फिर कोई अन्य व्यवसाय से संबंधित पब्लिक हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले भर देते हैं। उसके बाद वर्तमान पते का विवरण, मतलब अभी प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है कर्नाटक में। उसके बाद कंट्री तो आपको बता ही देना है, कंट्री तो इंडिया ही होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और पूरा डिटेल भर देना है, पोस्टल कोड भर देना है, ड्यूरेशन स्टे, प्रेजेंट एड्रेस, यदि आप प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हैं तो कितने समय से रह रहे हैं, एड्रेस टू विच यू आर ट्रैवलिंग टू, आप जिस पते पर यात्रा करना चाहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस दे देना है। उसके बाद कंट्री और स्टेट भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री तो इंडिया ही होगी। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार। अब जैसे बिहार सेलेक्ट करते हैं तो फिर बिहार का डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, फिर ताल्लुक, फिर पोस्टल कोड, फिर आर यू ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी डिटेल आपको भर देना, अदर डिटेल करना है। उसके बाद ऑन अरेंजमेंट रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट फॉर ट्रैवल, तो हम लोग रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर ट्रैवल असिस्टेंट ये कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट थोड़ा सा जिम्मेदारी ले हम लोग के लिए। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड देना है आपको और क्वारंटीन डिटेल देना है और डिक्लेरेशन में आई एग्री करके फिर सबमिट कर देना। तो जैसे मैंने इसमें दिखाया ठीक उसी तरह से हर एक में आपको भर देना है, और जितनी भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ठीक ऐसे ही यदि लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मैं आगे आगे जिस राज्य की है सारे राज्य की यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।